तो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर लगातार चुनावी कवरेज जारी है। 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है और इसी बीच एक बहुत बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बुलंदशहर से मतदान को लेकर ये बड़ी खबर है। गठबंधन प्रत्याशी आजी यूनुस ने डीएम से शिकायत की है, सदर सीट पर धीमे गति से मतदान होने की शिकायत की है। इसके अलावा डीएम ने कर्मचारी बदलने की बात कही, लाइन में खड़े सभी लोगों के मतदान का आश्वासन दिया है। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त बुलंदशहर से मिल रही है। सुबह से अभी तक सिर्फ 260 ही वोट डले हैं, 260 महज। बूथ पर लगी मतदाताओं की लंबी कतारें, जहां एक तरफ हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर लगातार इतने प्रतिशत मतदान हुआ है, तो वहीं बुलंदशहर से बड़ी जानकारी मिल रही है। बुलंदशहर से मतदान को लेकर ये बड़ी खबर है जो लगातार आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। गठबंधन प्रत्याशी हाजी यूनुस ने डीएम से एक शिकायत की और सदर सीट पर धीमे गति से मतदान होने की। वोट पड़ने की बात यहां पर प्रत्याशी जो है गठबंधन से हाजी यूनुस वो कह रहे हैं। बूथ पर मतदाताओं की लंबी लाइनें, लंबी कतारें जो है वो देखी जा सकती है। तो बुलंदशहर से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बुलंदशहर से मतदान को लेकर ये बड़ी खबर। गठबंधन प्रत्याशी हाजी यूनुस ने डीएम से शिकायत की, तस्वीरें आपके सामने हैं। भारी भरकम भीड़ जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। सदर सीट पर धीमे गति से मतदान हो रहा है, मतदाता परेशान हो रहे हैं। सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं और बहुत ही धीमी गति से यहाँ पर मतदान पड़ रहा है। 260 ही वोट डाले गए हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है गठबंधन प्रत्याशी हाजी यूनुस की तरफ से। महिलाएं भी भारी संख्या में यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो फिलहाल आश्वासन डीएम द्वारा दिया गया है कि जितने भी लोग मतदान की क्रिया में खड़े हुए हैं, उन सभी को मतदान करने की पूरी तरह से परमिशन है और उनका सारा मतदान जो है यहाँ पर किया जाएगा। सुबह से अब तक 260 वोट पड़े हैं, ऐसा कहना है। और बूथ पर लगी मतदाताओं की लंबी कतारें ये बता रही हैं कि वाकई यहां पर मतदान जो है वो धीमी गति से हो रहा है। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तो पर्याप्त नजर आ रही है, लेकिन यहां पर वोट धीरे क्यों पड़ रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और कुछ देर में यहां से मेरे सहयोगी लोकेश भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे कि यहां पर आकर धीमी गति से मतदान क्यों हो रहा है। देखिए, बुलंदशहर कोई पहला ऐसा जिला नहीं है जहां से इस तरह की खबर सामने आ रही हो। इससे पहले ये भी आरोप लगाए जा रहे थे कि और भी जगह है, और भी सिटी है जहां पर मतदान की गति जो है धीमी है। अखिलेश यादव जो सपा प्रमुख है, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि मतदान की प्रक्रिया बहुत धीमी है। ये जेपी जनता इंटर कॉलेज है, यहाँ तक सुबह से शिकायतें आ रही थी कि जो वोट डलवाने वाले हमारे कर्मचारी और वो बैठे हैं, वोट बहुत स्लो कर रहे हैं, अंदर लोगों को वोट डालने नहीं दे रहे। और तब मैं आया, तब मैंने भी पाया कि मैंने बीएलओ को पहले पूछा कि क्या स्थिति है, तो बीएलओ ने मुझे बताया कि जी मुझे इन्होंने बाहर निकाल दिया, जो वोट असली हैं ये उनको भी नहीं डालने दे रहे हैं, और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब मैं आया तो एक लेडी खड़ी थी यहाँ, उनका वोट इन्होंने कैंसिल करके बाहर भेज दिया, जबकि उस पर सारे प्रूफ थे और वो वोट ओरिजिनल थी। और फिर जब मैंने इनको कहा और डीएम साहब को मैंने फ़ोन किया, तब इन्होंने उस वोट को दोबारा डलवाया। डीएम साहब ने क्या कहा आपसे? डीएम साहब ने मुझसे कहा जब मैंने शिकायत की कि मैं इसको हटा के दूसरा आदमी भेज रहा हूँ और एक एक्स्ट्रा आदमी और भेज रहा हूँ। और सबके वोट पड़ रहे हैं? अभी तो पड़ रहे हैं। कितनी देर से लोग लाइन में लगे खड़े हैं? लगभग चार चार घंटे से जो माँ और बहनें खड़ी हैं वो बता रही हैं कि कोई बता रहा 3 घंटे हो गए, कोई बता रहा 3.5 घंटे हो गए। और जितने जेपी जनता कॉलोनी में और बूथ बने हुए हैं उसमें एक भी वोटर नहीं खड़ा है, लेकिन इस बूथ पर अभी भी आप देख लीजिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है लेडीज़ों की। आपने क्या पाया कितनी वोट है, कितनी वोट पड़ी? समथिंग 800 कुछ वोट है इस पर, और अभी मात्र 260 वोट पड़ी है। सारी सरकार 5 साल तक और 1 साल तक करोड़ों रुपये खर्चा कर ये एडवर्टाइज करते हैं कि एक एक वोट पड़ना चाहिए, वोट बहुत कीमती है, और ऐसे कुछ कर्मचारी आकर इस सब पर पानी फेरने का काम करते हैं और वोट नहीं डालने देते। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बुलंदशहर से सीधे लोकेश जुड़ गए हैं। लोकेश, सुबह से बताया जा रहा है कि 260 महज वोट पड़े हैं, तो कर्मचारियों की कछुआ चाल की वजह क्या है, किस वजह से जो लोग सुबह से आए हुए हैं लाइनों में लगे हैं, कतारों में लगे हैं? एक तरफ प्रशासन तो बड़ी बड़ी बातें करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर आइए, वोट करिए, लेकिन यह हकीकत है जमीन की कि 260 वोट सुबह से पड़े हैं, बताया जा रहा है लोग घंटों से खड़े हैं। क्या परेशानी आ रही है, क्या समस्या है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, सुबह से जिस तरह से लोग भारी तादाद में मतदान के लिए अपने अपने घरों से निकल रहे हैं, उसके बाद
जिला प्रशासन की तरफ से जो टीमें लगाई गई हैं कहीं ना कहीं वो कम पड़ रही हैं, जिसके बाद हाजी यूनुस जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा वाकई में ही काफी धीमी गति से वोटिंग चल रही थी, जिसके बाद उन्होंने डीएम से भी शिकायत की। डीएम ने तुरंत जो स्टाफ है उसको वहां से चेंज किया और उसके अलावा अतिरिक्त जो स्टाफ है उसको वहां पर लगाया। इसके बाद डीएम की शिकायत के बाद जो कर्मचारी है वो उन्होंने मतदान को और गति से आगे बढ़ाया। ठीक है, प्रत्याशी शिकायत कर रहे हैं, डीएम साहब क्या कर रहे थे? डीएम साहब से अगर शिकायत ना की जाती तो कुछ शाम तक 300-350 वोट पड़ जाते। डीएम साहब कहाँ है भाई? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन की कहीं ना कहीं ये चूक है, जिसके बाद जो प्रत्याशी हैं उनको खुद बूथों पर जा जाकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है, शिकायतें करनी पड़ रही हैं, जिसके बाद भी बीएलओ नहीं चेत रहे हैं। कहीं पर बीएलओ की कमी है तो कहीं पर स्टाफ की कमी है, और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इसको कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन कराना भी बताया जाता है कि कोरोना के नियमों का पालन करने की वजह से जो है धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही है। जी लोकेश जी, ये मैं देख पा रहा हूँ कि बुलंदशहर की सदर सीट की बात है, ये सदर मतलब मुख्यालय भी यही है, डीएम साहब भी यहीं बैठते हैं, और डीएम साहब की आज निगरानी में सबसे ज्यादा इसी सीट होगी, यही सीट होगी। लेकिन इसके बावजूद सुबह से लेकर अभी तक 260 वोट पड़े हैं। अभी तक क्या डीएम साहब सो रहे थे या पूरा प्रशासन सो रहा था कि प्रत्याशी को आकर शिकायत करनी पड़ी, तब जाकर कर्मचारी बदला गया? आपने प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? डीएम साहब क्या कुछ कह रहे हैं? प्रशासन का साफ तौर पर यही कहना है कि जितनी भी धीमी गति से वोटिंग चल रही थी वो सिर्फ एक कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाया जा रहा था। फिलहाल अब ऐसा कुछ है नहीं, जो गति है उसको तेज कर दिया गया है और जो स्टाफ है उसको भी बदल दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रत्याशी का आरोप है कि जितने भी यहाँ पर हमारी टोटल वोटिंग है कम से कम 800 वोटिंग है, 800 में से मात्र 260 वोट यहाँ पर अभी पड़े हैं। इतनी धीमी गति से जो वोटिंग यहाँ पर आगे चल रही है, जिसकी शिकायत डीएम साहब से की गई है। ठीक है लोकेश साहब, आपने एक बात कही अभी और एक तस्वीर हम देख रहे हैं, और आप जो बात कह रहे हैं उसकी भी तस्वीर हमारे सामने, और जो मैं कह रहा हूं वो भी ऑन एयर स्क्रीन पर है। आपने कहा कि धीमी गति इस वजह से है क्योंकि डीएम साहब का ऐसा करना कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत वोट करवाए जा रहे हैं। ये कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो वोट करवाए जा रहे हैं उसकी हकीकत जो है यह आपके बाजू वाली खिड़की में दिखा रहे हैं हम जनता को। यह कौन सा कोविड प्रोटोकॉल है जो बाहर, तो आप यह मत कहिएगा, यह बड़ा तर्क होता है ये अधिकारियों का, लोकेश साहब अधिकारियों का बड़ा तर्क होता है कि नहीं नहीं अंदर करवा रहे हैं, अंदर जो है दूरी मेंटेन कर रहे हैं, अंदर जो है एक एक करके आने दे रहे हैं, ये बाहर जो है, बाहर पूरा कोविड ऐसे फैलाया जा रहा है जैसे भंडारा चल रहा हो कोरोना का, और अंदर जाकर आप एक एक दो दो तीन तीन करें तो ये तो तिया पांच हो सकती है, हमारी उत्तर प्रदेश की जो लोकल लैंग्वेज में कहते हैं तिया पांच की बातें हैं। ये बताइए, ये कोविड प्रोटोकॉल तो है नहीं, ये कोई कोविड प्रोटोकॉल नहीं है, चाहे डीएम कहें, चाहे एसएसपी कहें, चाहे खुद आकर जिले का राजा कह दे, ये कोई कोविड प्रोटोकॉल तो है नहीं। लेकिन इसके बावजूद अगर डीएम ये दलील दे रहे हैं, ये टिप्पणी कर रहे हैं कि ये कोविड प्रोटोकॉल की वजह से देरी हुई और सुबह से लेकर अभी तक 260 लोग केवल वोट डाल पाए, और हम और जगहों पर देख रहे हैं कि हजारों लोग वोट डाल चुके हैं, तो ये डीएम साहब किस मुंह से ये बात कह रहे हैं, उनसे आप जरा ये जरूर पूछिएगा। और लोकेश साहब, अभी आप कह रहे हैं कि जो गति है वो बढ़ाई गई है, तो अब क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या डेवलप किया गया कर्मचारी बदलने के इतर, इसके अलावा? जी बिल्कुल, जो स्टाफ था पहले, जो स्टाफ था जिससे शिकायत थी प्रत्याशी को, उस स्टाफ को बदल दिया गया, उसके अलावा अतिरिक्त दो वहां पर लगाया गया है, जिससे कि जो वोट है वो आगे गति से बढ़ सके, साथ ही साथ प्रत्याशी को भी संतुष्ट करके यहाँ से भेजा गया है, प्रत्याशी को भी आश्वासन दिया गया है कि किसी तरह की कोई भी कमी आपको नजर नहीं आएगी, जो हमारा स्टाफ था वो हमने बदल दिया है और अतिरिक्त में हमने तो स्टाफ को लगाया है। तो लकेश, अभी कितना वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर बताया जा रहा है? प्रतिशत तो कहना गलत होगा क्योंकि 260 ही वोट पड़े हैं, तो प्रतिशत तो क्या ही बोलूं मैं। देखिए अभी तक 52% वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है, हालांकि अभी जो आंकड़े हैं आने वाले उनसे पता चलेगा कि टोटल वोटिंग कितनी हुई है। अभी 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो 50.81 का आंकड़ा वो है जो वोट पड़ चुके हैं। अभी जल्दी जो आंकड़ा आएगा वो भी जल्दी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। अच्छा लोकेश, ये बताइए, जो भीड़ हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये भीड़ जैसे कि अभी काव्य ने कहा कि ये कोरोना का भंडारा जैसा लग रहा है बिल्कुल, और वहाँ के जो डीएम है वो ये कह रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन हम कर रहे हैं, तो दूसरी जगहों पर क्या कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हो रहा है जहाँ पर धड़ल्ले से वोट डाले जा रहे हैं? या तो वो वहाँ गलती हो सकती है या गलती यहाँ है।
देखिए इससे तो हम बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते, जो वोटर हैं वो बड़ी तादाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अपनी वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग उम्र दराज हैं वो भी वोट डालने आ रहे हैं। तस्वीरों में जैसा कि हमारे दर्शकों ने देखा, शादी से पहले दूल्हा वोट डालकर गया है, जो 92 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं वो भी वोट डालकर जा रहे हैं, घाट पर वोट डालकर जा रहे हैं, कुर्सियों पर वोट डालकर जा रहे हैं, जैसे जिसकी मिजान पड़ रहा है वो वैसे यहाँ पर वोट डाल के जा रहा है। तो भीड़ भी इकट्ठी पूरे लोगों में काफी रोचक बना हुआ है कि हम अपने मत का इस्तेमाल करें, तो भीड़ है, काफी भीड़ है, उसके साथ साथ प्रशासन को एक रोचक तो बना हुआ है लोकेश साहब, लेकिन जो धीमी रफ्तार है इस पर हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है और प्रशासन की तो जिम्मेदारी है ही है कि इस चीजों को थोड़ा सा इन पर काबू किया जाए। अगर धीमी वोटिंग हो रही है तो इस पर सबसे पहले डीएम साहब की नजर जानी चाहिए थी, प्रत्याशी से पहले भी, हमसे भी पहले, लेकिन डीएम साहब की अगर नजर नहीं गई तो ये उनकी खामी है। और दूसरी चीज आप बता रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहते हैं, यही तो लोकतंत्र को ताकत देता है, लेकिन लोग हिस्सा कैसे लेंगे? जैसे कि अब आप बता रहे हैं कि एक दूल्हा आया था वोट डालने और इतनी धीमी रफ्तार है, अगर वो इसी वाले बूथ पर आ जाता तो 3 दिन बाद उसका वोट नाम आ पाता, जब तक वो वोट डालता तब तक मुहूर्त निकल जाता शादी का और शादी कहीं और हो जाती दुल्हन की, तब तक बताइए ये दिशा है और ये दशा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोकेश हमारे साथ जुड़ने का।